एक डॉक्टर हैगी है मनु गुप्ता चैंबर दे विच एक प्राइवेट लड़की अमन जी का नाम दसदी है रख्या होया उन्हूं वो अमन जिहड़ी लड़की है डॉक्टर दे दिशा निर्देश दे मुताबिक उस मरीज नूं इह कहिंदी है कि तुसीं इह दवाई रेड क्रॉस तों नहीं लैणी इह दवाई तुसीं जनौषधी तों नहीं लैणी इह दवाई तुसीं बाहर गुरद्वारा साहब दे नाल तीन मैडिकल स्टोर बने हुए है उत्थों दवाई तुसीं इह लैणी है जनौषधी तो रेड क्रॉस तो दवाई लैके चला जाए तो वह डॉक्टर उन्हों दवाई समझाने तो भी इनकार कर देती है। वह मैडिकल स्टोर के नाल की नाता हैगा ज कंपनियों के नाल की नाता हैगा ये अपने आप के पड़ताल का विषय है। इस डॉक्टर के बारे कई बार SMO मनिंदर सिंह मैं पहला भी सूचित किया जिहड़ा डॉक्टर बाहरों मरीज को प्राइवेट मैडिकल स्टोर तो दवाई लैके आने मजबूर करता है जेकर इनू बचाउण दा जतन किया जाता है तो दलित महापंचायत वालों इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ तो इस हस्पताल के प्रशासन के ख़िलाफ़ असी तिखा संघर्ष करने लई मजबूर होवांगे। मैं किरणजीत सिंह गहरी चेयरमैन दलित महापंचायत पंजाब जनरल सकत्तर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अज बठिंडा के सरकारी हस्पताल के पिछले रूटीन के मुताबक एक बड़ी घटना वापरी उन्होंने राज जिहड़े आम आदमी पार्टी की सरकार कहिंदे है मुख्यमंत्री भगवंत मान कहिंदे है कि असी हस्पताल लोगों को बहुत वधिया देवांगे हस्पताल की सर्विस बहुत वधिया देवांगे अज उस हस्पताल दे विच एक डॉक्टर हैगी है मनु गुप्ता जिन्हें अपने चैंबर दे विच एक प्राइवेट लड़की अमन जी का नाम दसदी है उन्हें रख्या होया उन्हूं जदों कोई पेशेंट कोई मरीज आउंदा उत्थे दवाई लैण वास्ते तां उह डॉक्टर दवाई लिखदी है तो वो अमन जिहड़ी लड़की है डॉक्टर के दिशा निर्देश के मुताबिक उस मरीज को यह कहती है कि तुसीं यह दवाई रेड क्रॉस तो नहीं लैनी यह दवाई तुसीं जनौषधी तो नहीं लैनी यह दवाई तुसीं बाहर गुरद्वारा साहब के नाल तीन मैडिकल स्टोर बने हुए है उत्थों दवाई तुसीं यह लैनी है। जे कोई मरीज़ गलती नाल जनौषधी तो रेड क्रॉस तो दवाई लैके चला जाए वो चैंबर च तो वह डॉक्टर उन्हों दवाई समझाने तो भी इनकार कर देती है कि तुसीं दवाई क्यों नहीं ली मतलब कहने तो भाव कि उहदा मैडिकल स्टोर के नाल की नाता हैगा ज कंपनियों के नाल की नाता हैगा ये अपने आप के पड़ताल का विषय है। अज अर्शदीप ते हरदीप लड़के जिहड़े दवाई लैण वास्ते जदों आए है तो उन्होंने उन्होंने ये दिशा निर्देश दिता गया दवाई लिखण तो बाद नाल दी नाल डॉक्टर वालों कि तुसीं दवाई इत्थे रेड क्रॉस जां जनौषधी तों नहीं लैनी तुसीं बाहर मैडिकल स्टोरों तो लैनी है। ये बच्चों ने मैनूं फोन किया मैं इत्थे आया मैं ये संबंध के सिविल सर्जन बठिंडा के नाल गल की कि थोड़े एक डॉक्टर जी मनु गुप्ता वो इस तरह का लोगों का बिहेव करती है लोगों का दुर्व्यवहार भी करती है। उन्होंने मैंने कहा कि SMO ना तुम गल करो SMO मनिंदर के नाल असी आके फिर गलबात की है। इस डॉक्टर के बारे कई बार SMO मनिंदर सिंह मैं पहला भी सूचित किया पर असी सोचते कि इशू ना बनाया जाए पर सिर तो पानी लंघ गया तो डॉक्टर मनिंदर कहण तो बाद उदू मैं डिप्टी कमिश्नर बठिंडा ने भी इस संबंध में गल की है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बठिंडा या सरकार का यह अधिकार खेत्र बनता कि जिहड़ा डॉक्टर रेड क्रॉस की दवाई नहीं लिखता जिहड़ा डॉक्टर जनौषधी दवाई नहीं लिखता जिहड़ा डॉक्टर बाहरों मरीज को प्राइवेट मैडिकल स्टोर तो दवाई लैके आने मजबूर करता उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जानी बनती है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मैंने कहा कि असी जल्दी यदा जिहड़ा है उन्होंने यदा फैसला करांगे उन्होंने सिविल सर्जन फोन किया SMO साहब ने दस्सिया कि डिप्टी कमिश्नर बठिंडा का भी फोन आया तो अज असी SMO साहब को लिखती तौर पर मैं कंप्लेंट भी दी है दलित महापंचायत वालों तो असी SMO साहब को कहा कि विद इन 2 डेज़ 2 दिनों के असं डॉक्टर मनु गुप्ता के खिलाफ तो जी प्राइवेट लड़की ने रखी है वो खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए है। जेकर इनू बचाने का जतन किया जाता है तो दलित महापंचायत वालों इस डॉक्टर के खिलाफ़ तो इस हस्पताल के प्रशासन के खिलाफ़ असी तिखा संघर्ष करने मजबूर होवांगे। SMO ने कहा विद इन 2 डेज़ असी यदि कार्रवाई करांगे पर जे होंदी है तो उस हिसाब नाल नहीं फिर दलित महापंचायत वालों तिखा अंदोलन के खिलाफ़ करांगे। अज उन्होंने एक डॉक्टर मनु गुप्ता के खिलाफ़ कंप्लेंट की है कि उन्होंने दवाई जी है वह बाहरों लिया किया है तो असी वो इनकुआरी करा रहे हैं वह जल्द तो जल्द इनकुआरी करा के जो भी वह आऊगा वो हिसाब ना उन्होंने विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ उन्होंने मैंने दस्या उन्होंने को लड़की रखी है वो जाँच करावे जो उन्होंने कोई उन्हें अनधिकारत रख्या होया तो वो भी विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ हाँ यही कंप्लेंट की उन्होंने कि बाहरों दवाई मंगाई जाती है इसे ही कंप्लेंट है आप जाँच कराने नहीं वो दवाई अपने को सारी जड़ी दवाइयाँ अंदर है अंदरों लेनी है जो सरकार दियाँ हदायत है जी दवाई अंदर भी नहीं भी आसी जनौषधी तो लेनी है पर असी बाहर नहीं मरीज में भेजना जो उतों भी नहीं मिलती तो रेड क्रॉस की दुकान है तो
बाहर असी मरीज नहीं भेजना है, असी जी दवाई अंदरों ही लेनी है। ये सरकार दी हदायतें, तो हदायतों का पालन करना सारे डॉक्टर की जिम्मेवारी है। जो कोई नहीं पालना करता तो विरुद्ध कार्रवाई होगी सरकार वालों।